बिलासपुर में सड़क किनारे खड़ी एक कार में आगजनी की घटना से लोग दहशत में आ गए। सिविल लाइन थाना से थोड़ी दूर शाम को आगजनी की घटना हुई है। सफेद रंग की टॉप मॉडल वैगनआर कार क्रमांक CG10BD6875 खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। कार को जलता देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने पुलिस व दमकल को घटना की सूचना दी। थोड़ी देर में दमकल वाहनों की मदद से अग्निशामन दस्ते के साथ आग पर काबू पा लिया। आगजनी में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। सिविल लाइन थाने से थोड़ी दूर पर खड़ी कार में आग कैसे लगी यह किसी को नहीं पता। कार में कोई सवारी नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आगजनी के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। पेट्रोल वाहन होने की वजह से आग तेजी से फैली और विकराल रूप ले लिया। ब्लास्ट होने की आशंका से सहमे लोग दूर भागने लगे और खड़े होकर देखने लगे। स्थानीय लोग बिजली खंभे के तारों से शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जता रहे हैं। आगजनी की घटना पुलिस लाइन के क्वार्टर ब्लॉक ए के सामने हुई है। कार एक अधिवक्ता की थी, वैगनआर कार टॉप मॉडल की थी। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।